सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। गाइज इस समय मैं मतलब अभी आया हूँ नालासोपारा फाटा पे हूँ, और इस समय फ्रेंड्स आज मैं जाने वाला हूँ ब्रजेश्वरी टेम्पल, जो कि विरार फाटा से आगे सिद्धेश्वर फाटा के अंदर हमें 15 किलोमीटर जाना है। तो फ्रेंड्स चलिए, अभी इस समय तो शाम के 6 बज चुके हैं लगभग, और मैं आपको यहाँ से मतलब फोटो ब्लॉगिंग के थ्रू ब्रजेश्वरी टेम्पल का नाइट भी पूरा दिखाने वाला, तो इस वीडियो को देखते रहिएगा। सो फ्रेंड्स चलिए, अभी यहाँ से लेके ब्रजेश्वरी टेम्पल के बीच में जितने भी व्यूज़ हैं, ब्यूटीफुल नज़ारे पड़ते हैं, तो उन सभी के ए टू जेड व्यूज़ मैं आपको दिखाने वाला, तो इस वीडियो को पूरा देखते रहिएगा। सो फ्रेंड्स चलिए, अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए लेट स्टार्ट द वीडियो। सो फ्रेंड्स फाइनली अभी हम सोपारा फाटा से वीडियो अपनी राइड स्टार्ट कर चुके हैं, और अभी हम जाने वाले ब्रजेश्वरी टेम्पल, और वहाँ ब्रजेश्वरी रोड के थ्रू ब्रजेश्वरी टेम्पल जाएंगे, और वहाँ का नाइट भी हम आपको दिखाने वाले हैं। फ्रेंड्स हमारे इस वीडियो में बने रहिएगा, तो देखते रहिए यहाँ के हाईवे। अभी हम इस समय मेन हाईवे पे, और हाईवे का व्यूज देखते रहिए, इतना काफ़ी ज़बरदस्त और ब्यूटीफुल नज़ारा है। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत नज़ारा है भाई, ये चलते रहिए, हम आपको पूरा वीडियो दिखाते रहेंगे। सो गाइस देख सकते हैं अभी शाम का नज़ारा है, काफ़ी खूबसूरत और ज़बरदस्त व्यू है, तो देखते रहिए इस वीडियो को, काफ़ी मज़ा आने वाला है आपको इस टूर पे। शाम के 6:30 लगभग बज चुके हैं, और व्यूज देखिए इतना खूबसूरत है, हाईवे का व्यूज देखते रहिए। अभी गाइस यहाँ से हमें समथिंग 2 से 3 किलोमीटर और जाना है विरार फाटा के, सिरसर फाटा, वहाँ से हमें ट्राइक मारना है, तो ब्रजेश्वरी रोड के थ्रू चलना है ब्रजेश्वरी टेम्पल।
थे और तकरीबन 7 बजने वाले अभी, और हम विरार फाटा से 500-600 मीटर आगे सिरसाट फाटा पे पहुंच चुके हैं। और ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ ये पूरा सिरसाट फाटा है। तो फ्रेंड चलिए, अभी सिरसाट फाटा से हमें अंदर 15 किलोमीटर चलना है और वहाँ से 15 किलोमीटर के बाद हमें बृजेश्वरी टेम्पल देखने को मिलेगा। तो गाइस चलिए मैं आपको बैक कैमरे से सिरसाट फाटा का व्यूज़ दिखा देता हूँ। तो आइए, आप ये देख सकते हैं, ये जो पूरा देख रहे हैं आप, ये मतलब विरार के बाद ये सिरसाट फाटा आता है। देखिए वहाँ से मतलब अंदर घुसने के बाद ये रोड अंदर की ओर जाएगा और ये पूरा बृजेश्वरी रोड है। और यहाँ से समथिंग 15 किलोमीटर अंदर जाने के बाद हमें ये बृजेश्वरी टेम्पल देखने को मिलेगा। देखिए आप ये देख सकते हैं, सामने सिरसाट फाटा है। तो आइए चलते हैं, अब अंदर की ओर, अंदर का व्यूज आपको दिखाएंगे। और इस समय अभी देखिए सनसेट होने वाला है, तो आइए चलते हैं। सो गाइस फाइनली अभी हम बृजेश्वरी रोड के अंदर आ चुके हैं। देखिए आप देख सकते हैं बृजेश्वरी रोड का व्यू। अभी तकरीबन इवनिंग हो चुका है और अभी सनसेट भी होने वाला है। जैसे देखिए आप, अंधेरा हो रहा है धीरे धीरे, मतलब सनसेट होने वाला है। तो आप व्यूज़ देख सकते हैं कितना खूबसूरत और ज़बरदस्त नज़ारा है। तो फ्रेंड चलिए, अभी चलते रहे हम आपको बृजेश्वरी टेम्पल की ओर लेके चलते हैं। बाकी ये आजू बाजू का रोड का व्यू है, आप देख सकते हैं। तो आइए चलते हैं। सो गाइस फाइनली, जैसा आप देख सकते हैं, हम बृजेश्वरी रोड पे आ चुके हैं और इस समय अंधेरा होने वाला है फ्रेंड, सनसेट हो रहा है। देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है और हवाएं भी फ्रेंड, मत सच बोलूँ ना, हवाएं इतनी मस्त और ज़बरदस्त, एकदम फूल ठंडा हवा चल रहा है फ्रेंड, एकदम मज़ा आ रहा है चलाने में। अपने सच बोलूँ ना, ऐसे ठंडे ठंडे मौसम में साइकिल चलाने का तो मज़ा ही कुछ और है। चलो चलो, चलते रहो चलते रहो। तो फ्रेंड जैसा आप देख सकते हैं, व्यूज़ कितना खूबसूरत है और एकदम ब्यूटीफुल नज़ारा है। तो आइए चलते रहिए, हम भी हम आपको पूरा बृजेश्वरी रोड का व्यूज भी दिखाते रहेंगे। काफ़ी ज़बरदस्त और खूबसूरत नज़ारा है फ्रेंड, देखिए मतलब फ्रेंड्स एकदम जंगल जैसा एरिया। और ये बोलूँ तो हम जहाँ बृजेश्वरी टेम्पल की ओर जा रहे हैं ना फ्रेंड, तो अपना बृजेश्वरी टेम्पल एक नंदगांव में स्थित है फ्रेंड, और उसके पीछे की हिस्ट्री तो बहुत काफ़ी लंबा है, बट अभी पूरा बता नहीं सकते फ्रेंड्स। आप अगर गूगल पे जाके सर्च करेंगे बृजेश्वरी टेम्पल हिस्ट्री, तो वहाँ से आप पढ़ के पता कर सकते हैं। तो फ्रेंड चलिए, अभी व्यूज़ देखते रहिए फ्रेंड्स, क्योंकि अभी इधर इस रोड पे फ्रेंड लाइट भी नहीं लगा है। तो देखते हैं, अभी इवनिंग होने वाला है, तो देखते हैं अभी लाइट दिखता है तो हम आपको इवनिंग का व्यू भी दिखाएंगे, नाइट व्यू रोड का। वरना चलिए, जब तक उजाला है तब तक आप वीडियो का व्यूज़ देखते रहिए। तो फुल मज़ा आ रहा है, अरे बाबा बृजेश्वरी रोड। सो गाइस फाइनली, जैसा है देखिए आप देख सकते हैं, अभी कम्प्लीटली सनसेट हो रहा है फ्रेंड, बट यहाँ का व्यूज देखिए एकदम कितना जबरदस्त रोड है फ्रेंड्स। और यहाँ एकदम चारों तरफ देख रहे रोड के आजू बाजू सब पेड़ पौधे, मतलब एकदम गांव टाइप एरिया फ्रेंड, काफ़ी मज़ा आ रहा है इंजॉय में, एकदम ठंडा ठंडा हवा चल रहा है, फुल ग्रीनरी है फ्रेंड्स। नाइट में भी देखिए व्यूज़ कितना खूबसूरत लग रहा है फ्रेंड, गांव का व्यू देखिए आप देख सकते हैं, देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है, काफ़ी ज़बरदस्त नज़ारा लग रहा है फ्रेंड। सनसेट व्यू देखिए, मज़ा आ रहा है फ्रेंड्स। मैं सच बोलूँ तो मतलब इस समय की ग्रीनरी में ना, क्या साइकिल चलाने में एकदम हवा ठंडा ठंडा चल रहा है फ्रेंड, एकदम मन को भाग गया, इतना मस्त नज़ारा लग रहा है फ्रेंड। देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का, एकदम ग्रीनरी हरियाली चारों तरफ। तो आइए चलिए फ्रेंड, चलते हैं अभी आगे की ओर। तो गाइस फाइनली अभी हम बृजेश्वरी रोड पे, और काफ़ी मतलब देखिए आप, पूरा अंधेरा हो चुका है। देखिए आप ये देख सकते हैं, पूरा ये देखिए पूरा अंधेरा हो चुका है, देख रहे हैं पूरा रोड पे है। और फ्रेंड्स इस रोड पे एक भी लाइट लगी नहीं है, तो देखते हैं अभी इस अंधेरे में फाइनली कैसे हम जा सकते हैं और कैसे भी आएंगे, अभी ये देखते हैं। देखिए अभी इस समय रोड का पूरा व्यूज देखिए, पूरा अंधेरा हो चुका है, अभी ये लाइट वगैरह जो रोड पे गाड़ियाँ चल रही इसकी वजह से उजाला है, वरना है तो पूरा सुनसान जंगल लग रहा है, देख सकते हैं आप। गाइस आइए चलते हैं आगे, फिर देखते हैं अभी क्या होता है। सो गाइस फाइनली अभी पूरा अंधेरा हो चुका है, हम गुफा में आ चुके हैं, अभी जंगल में मंगल होने वाला है, तो देखते हैं अभी क्या होता है जंगल में मंगल। पूरा नाइट हो चुका है, कुछ दिख नहीं रहा है।
इतना अंधेरा रे बाबा, ऐसा लग रहा है गुफा में आ गया, कुछ दिख ही नहीं रहा है। जंगल में मंगल होएगा। या बाबा, सो गाइस फाइनली आप देख सकते हैं यहाँ कितना अंधेरा है, और आज हमारी हो रही है नाइट मोटो ब्लॉगिंग वो बाय साइकिल। जैसा आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे कितना अंधेरा हो चुका है, कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है, पूरा रोड सुनसान है ना। हमारे नाइट मोटो ब्लॉगिंग देखते हैं ब्रजेश्वरी टेम्पल तक कैसी चलती है। देख रहे हैं आप, यहाँ पे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो गाइस चलिए देखते रहिए अब नाइट मोटो ब्लॉगिंग हमारी कैसी चलती है, तो आइए चलते हैं। गाइस फाइनली अभी हम ब्रजेश्वरी रोड से जा रहे थे, और आप जैसे देखिए कि पूरा चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा, जंगल ही जंगल ही। देखिए अभी एक फिलहाल हम यहाँ पे छोटे से मार्केट में रुके, तो अभी हमें इतना अच्छे साइकिल चलाने के बाद प्यास लग चुकी है, तो अभी हम पानी पीते हैं। और ये आप देख सकते हैं, ये एक दो छोटा सा गांव है जिसका नाम साहिबान है, ये देखिए, और ये पूरा मार्केट है। तो गाइज अभी ये रही, देखिए ये मेरी साइकिल और मेरे फ्रेंड की साइकिल, दोनों अभी हम यहाँ पे रुके हैं। तो अभी हम कुछ खाते हैं, नाश्ता करेंगे, फिर उसके बाद आगे की ओर बढ़ेंगे। और यहाँ से समथिंग फ्रेंड 5 किलोमीटर और बचा रह गया ब्रजेश्वरी टेम्पल, तो आइए चलते हैं आज की नाइट राइडिंग, देखते हैं कैसी होती है हमारी। अभी हम आप देख सकते हैं ब्रजेश्वरी मार्केट पहुंच चुके हैं अब, और ये पीछे पूरा देख सकते हैं ब्रजेश्वरी रोड है, और ये मेरे पीछे पूरा ब्रजेश्वरी का मार्केट है जैसे आप देख सकते हैं। और अभी देखिए मतलब ये मेरे पीछे देख सकते हैं सामने ब्रजेश्वरी मंदिर है, थोड़ा सीढ़ी से ऊपर गया है। तो फिर चलिए अभी मैं आपको पूरा ब्रजेश्वरी मार्केट का बैक कैमरे का व्यू दिखाता हूँ कि यहाँ का मार्केट कैसा दिखता है, तो आइए चलते हैं। सो गाइस फाइनली जैसा आप देख सकते हैं, अभी देखिए ये मतलब हमारा ब्रजेश्वरी मार्केट है, और यहाँ का नाइट व्यू देखिए, मतलब आप चार देख सकते हैं इतने नाइट में भी यहाँ पे सामने हमारा ब्रजेश्वरी का मंदिर है। देखिए सीढ़ियाँ यहाँ से ऊपर गई हुई है, और ये पूरा ब्रजेश्वरी का मार्केट है जिसमें ब्रजेश्वरी मार्केट का नाइट व्यू देख सकते हैं। और यहाँ पे हर तरफ फ्रेंड देख सकते हैं, मतलब फूल प्रसाद वगैरह की सब दुकानें दी गई है। और यहाँ पे फ्रेंड ब्रजेश्वरी मंदिर में अभी लास्ट आरती नाइट के 9 बजे होती है, तो फ्रेंड्स देखते हैं अभी नाइट में यहाँ का व्यूज़ हम दिखा पाते हैं कि नहीं। तो अभी बाकी ये पूरा नाइट का व्यूज़ है, जैसे आप देख सकते हैं पूरा मार्केट का व्यूज़ है मैं ब्रजेश्वरी का, तो देखिए काफ़ी ज़बरदस्त। अभी भी देखिए यहाँ पर चहल पहल है काफ़ी, तो आइए चलते अब देखते हैं यहाँ पे रुकते हैं कि चलते आगे का व्यूज़ क्या होता है, तो इस वीडियो को देखते रहिए। अभी हम ब्रजेश्वरी मार्केट में तो पहुँच चुके हैं ब्रजेश्वरी मंदिर के लिए, मैं जैसा कि मैंने आपको बताया। तो फ्रेंड्स अभी हम ब्रजेश्वरी तो पहुँच चुके हैं, और अभी यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स, इस समय नाइट के 8 बज चुके हैं, और नाइट में क्या है फ्रेंड्स, हमें 7 कुंड को दिखाना था जिसमें कि गर्म पानी ठंडा पानी काफ़ी जा मतलब वहाँ पे भी बहुत एक बड़ा मंदिर है, उसके बाद समुद्र है, 7 कुंड वो सब आपको दिखाना था फ्रेंड्स। लेकिन नाइट में हम वो कुंड आपको नहीं दिखा सकते फ्रेंड, क्योंकि नाइट में क्या है पूरा अंधेरा हो गया, तो आपको प्रॉपर दिखेगा नहीं। तो फ्रेंड तो गाइस हमने जैसा हमने सोचा कि चलिए अभी ये एरिया, तो फ्रेंड बोलूँ ये एरिया में जैसे कैंपिंग करने के लिए टेंट डाल के या कहीं बैठना सेफ नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि ये रात को एरिया सुनसान हो जाता है, यहाँ पे जैसा टपोरी वपोरी यहाँ बहुत घूमते हैं फ्रेंड, यहाँ पे चोरी होने का डर रहता है, इसीलिए हमने सोचा कि चलिए रूम ले लेते हैं, रूम बुक करके उसमें रहते रात गुजारेंगे, फिर सुबह होएगा तो कुंड में नहाएंगे, फिर दर्शन करेंगे, उसके बाद और एक यहाँ गणेशपुरी भी एरिया तो वहाँ चलेंगे, उसके बाद वीडियो शूट करेंगे। तो फ्रेंड चलिए अभी मैं मतलब अभी हमने जो रूम लिया है वो रूम का मैं आपको व्यूज़ दिखाता हूँ कि हमने जो रूम कहाँ पे लिया है, तो चलिए मैं इस वीडियो आपको बैक कैमरे से वहाँ का व्यूज़ दिखाता हूँ। तो गाइस फाइनली ये देख सकते हैं, ये देखिए ये मतलब ये पूरा ये आप देखिए आप सामने देख सकते हो, वो हमारा मेन रोड है ब्रजेश्वरी का, यहाँ से हम रोड से थोड़ा सा अंदर आए हैं, तो यहाँ पे ये रहने के लिए देख सकते हैं रूम है काफ़ी ज़्यादा, और यहाँ पे देखिए अलग अलग कमरे दिए गए रूम रहने के लिए, जैसा कि आप देख सकते हैं इसके पीछे भी है, देखिए इधर भी रूम है। तो फ्रेंड्स अभी हमने मतलब ये रूम लिया है, तो देखिए ये मतलब ये पूरा रूम है, देखिए आप देख सकते हैं इधर सामने टीवी भी है, पंखा है, लाइट है, मतलब हमने नॉर्मल रूम बुक किया, और बाकी ये सोने के लिए गद्दा तकिया वगैरह दिया गया है फ्रेंड्स। और खिड़की देख सकते हैं, खिड़की पर्दा, और ये हमारा वॉशरूम है जहाँ हम नहा धो सकते हैं।
तो मतलब फ्रेंड, और इसका प्राइस फ्रेंड्स उन्होंने बोले काफ़ी ज़्यादा बोला, और ये एरिया एकदम अंदर भी आ जाता है, तो फिर उन्होंने 700 बोला, बट उन्होंने मतलब मना, बात करते करते तकरीबन 600 ही किया, उससे कम किए नहीं, फिर भी चलता है, कोई बात नहीं, थोड़ा लाइफ के मज़े लेना भी ज़रूरी है। तो फ्रेंड देखिए, जैसा आप देख सकते हैं ये रूम है। तो फ्रेंड चलिए, अभी आपने को मैंने दिखा दिया, हम यहाँ पे रुके हुए, बाकी अब हम यहाँ पे नाइट गुजारेंगे, उसके बाद सुबह उठेंगे, कुंड उंड में नहाएंगे, उसके बाद चलेंगे। तो इस चलिए फाइनली अभी हम यहाँ पे रूम में रुके हुए हैं। तो अभी ये मेरा दोस्त है जो कि कांदिवली से आया है। तो फ्रेंड्स अभी मतलब ये तो फर्स्ट टाइम लॉन्ग टूर करके आए कांदिवली टू ब्रिजेश्वरी, जो कि समथिंग 56 किलोमीटर है। तो अभी इनको साइकिलिंग का एक्सपीरियंस कैसा रहा, यहाँ तक साइकिल करके कैसा लगा, इनसे पूछते हैं, तो बताइए आज भाई। सर दोस्तों एक्चुअली क्या है ना, मेरे घर से कांदिवली है ना, कांदिवली से यहाँ आने के लिए टोटल 56 किलोमीटर था, और 56 किलोमीटर पहुँचने में कम से कम 5 से 5.5 घंटा लगता है। और मैं 2 बजे घर से निकला था, और 2:30 बजे करीब मैं मतलब 2 बजे घर से निकला था, और 7:30 बजे यहाँ पे मैं पहुँच चुका हूँ। और इसमें एग्जैक्टली क्या हो रहा, मुझे ना काफ़ी इसलिए मज़ा आया ना, क्योंकि साइकिल जो राइडर बॉय होते हैं ना, काफ़ी उनको मज़ा आता है। और मैंने ना लाइफ में ना फर्स्ट टाइम इतना बड़ा टूर का राइड किया हुआ था, और मुझे काफ़ी मज़ा आया इस चीज़ के लिए। मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला कि लाइफ में अगर हम बड़े रिस्क लेंगे, और इसी तरह रिस्क के साथ अगर हम मजा करेंगे तो हमें काफी कुछ उसमें ना सीखने को भी मिलता है। तो फाइनली हम 7:30 बजे यहाँ पे पहुंच गए थे। पहुंचते हुए सोचे कि यहाँ पे मंदिर तो फिलहाल तो 9 बजे चालू रहता है, बट हमें इसलिए दर्शन नहीं करते, हम लोग फिलहाल तो फ्रेश भी नहीं है, तो बस आराम से रूम हमने बुक किया हुआ है, कल सुबह उठेंगे 5-6 बजे उठेंगे, और आराम से हम जहाँ पे यहाँ पे जो फेमस जो कुंड है वहाँ पे जाके विजिट करेंगे, वहाँ पे देखेंगे, फिर उसके बाद मंदिर का दर्शन लेंगे। तो मुझे तो गाइस बहुत ही एक्साइटेड था इस टूर को लेकर, और राइड को लेकर मैं काफी मुझे मजा आ रहा है। तो गाइस आगे बहुत सारे हम लोग ना साथ में ना ऐसे राइड मचाने वाले हैं। तो राजभा मुझे ये बताइए, आपने जो इतना लंबा टूर किया है, ये लंबा टूर करने का आइडिया आया कैसे, मतलब आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिला? देखो गाइस, आप सब तो जानते हैं हमारे विनीत ब्रदर को, एक्चुअली इन्होंने मतलब 15 अगस्त के दिन ही बहुत बड़ा डिसीजन लिया था कि इन्होंने 9 दिन का ना जो गोवा का जो ट्रिप था वो साइकिल राइडर करके वो गए थे, और इसको सक्सेसफुल उन्होंने कम्प्लीट भी किया था। गाइस मुझे सोचो कि गाइस आज मैं कांदिवली से यहाँ पे आया, तो मेरे अंदर कितने फीलिंग्स, क्या भावना है, मैं कैसा है, किस पर कितना कुछ संघर्ष स्ट्रगलिंग इस चीज़ के लिए करना पड़ता है, अपने आप को पेशेंस रखो, कीप हार्ड वर्किंग करो, फिर अपने माइंड को क्या चीज़ चल रहा है कुछ पता नहीं चलता। बट गाइस इनको देख के ना मैंने सीखा कि जब ये बंदा का गोवा का ट्रिप इतनी जबरदस्त से मार सकता है, तो गाइस ये तो मेरा कांदिवली में क्यों नहीं मार सकता। तो ये चीज सोच के ना मैंने इनके साथ आया, और मुझे काफी मजा आया। तो इंस्पिरेशन इज द विनीत ब्रो इज बेस्ट। थैंक यू राजभा। और अभी आप मतलब इस टूर के बाद और कौन सा टूर करना चाहते हैं, कुछ सोचा है, कुछ आइडिया है? देखो गाइस अभी क्या है ना, फिलहाल तो हम अभी न्यू क्रिएटर है यूट्यूब पे, जिससे हमारा यूट्यूब पे जितने भी वीडियो धीरे धीरे आगे जाएंगे, लोगों को तो हमारा सपोर्ट बनते जाएगा। तो गाइस और जाकर ना जबरदस्त जबरदस्त हम लोग ना कंटेंट लेकर जबरदस्त करते कि आज तक यूट्यूब पर कभी नहीं हुआ, वो चीज़ें हम लोग लेके आने वाले हैं, और मैं तो जरूर लेके आऊंगा। लेकिन गाइस इसके लिए ना आप लोगों का सपोर्ट होना बहुत ही, आप लोगों का लाइक, आप लोगों का कमेंट, और आप लोगों का हमारे जो यूट्यूब फैमिली जो कनेक्ट करते हैं ना, वो हमारे लिए एक इंस्पिरेशन बन जाता है, वो हमारे लिए ना एक बहुत कुछ सीख देता है, और वही सीख के चक्कर में हम आगे जाकर और वीडियोज बना सकते हैं। सो गाइस फाइनली अभी हमारे साथ राज भाई थे, जो हमारे साथ मतलब साइकिलिंग करके इधर आए। तो आपने इनकी इंस्पिरेशन स्टोरी सुनी होगी, मतलब इन्होंने इतनी लॉन्ग राइड फर्स्ट टाइम की, तो इनका अनुभव आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो फ्रेंड्स अभी यहाँ पे नाइट हो चुका है, अब यहाँ रुके हैं, तो इस ब्लॉग को हम यहीं एंड करते, बाकी हम मॉर्निंग में कल जो मॉर्निंग में जो कुंड में जाएंगे, 7 कुंड देखेंगे, उसके बाद मंदिर के दर्शन करेंगे, वो मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगा। सो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और आप अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। सो फ्रेंड्स चलिए मिलता हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट डे, तब तक के लिए जय हिंद।